Good evening, dear friends and brothers and sisters, those who have gathered for our Wednesday Bible study of the Life Spring Assembly. और आज की शाम मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबका स्वागत और प्रभु यीशु मसीह में अभिवादन करता हूँ, आप सब जो इस बाइबल अध्ययन में हमारे संग जुड़े हैं. So this is done online, and so all of you are in your own home, but wherever you are seated, I encourage you to be reverent and with the fear of the Lord, and may the Holy Spirit Himself anoint you with the anointing to learn. और मेरी प्रार्थना और अनुरोध आप सब से यही है, क्योंकि जब ये अध्ययन हम ऑनलाइन रूप से करते हैं, जिस भी स्थान पर आप बैठकर अपने इस अध्ययन में भाग लेते हैं, होने दे आप परमेश्वर के भय को रखते हुए और उस आदर और सम्मान के साथ उस उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करते हुए इसमें भाग लें. वी आर लुकिंग इनटू चैप्टर 7 ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियंस. और हम पहली कुरिन्थियों की पत्री उसके 7वें अध्याय की ओर अपने मनन को रखे, अपने अध्ययन को रखे हुए. दिस चैप्टर डील्स विद एवरी एस्पेक्ट एंड एवरी difficult situations of marriages. और ये जो अध्याय है, ये शादीशुदा जीवन या विवाहित जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति, हर एक मुश्किल के विषय में ये बात करता है. The Corinthian believers who are troubled within themselves because of certain false teachings concerning marriages, concerning our bodies and etc. और कुरंत के विश्वासी कई बातों को लेकर परेशान थे, चाहे वो शादी हो, चाहे वो शरीर से कैसे व्यवहार रखना है, कई प्रकार की समस्याएं उनके बीच मौजूद थी. सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस मैटर ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स. और इसलिए आज के दिन हम अपने अध्ययन में अध्ययन करेंगे विवाह और तलाक के विषय में. Chapter 7 verses 10 and 11. और सातवां अध्याय पहली कुरिन्थियों की पत्री और उसका नवा क्षमा करिएगा 10वां और 11वां वचन. To the married I give this command, not I but the Lord. A wife must not separate from her husband, but if she does, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband. And a husband must not divorce his wife. जिनका विवाह हो गया है उनको मैं वर नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग हो भी जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पति पत्नी को छोड़े. Now you notice here Paul made very sure that his listeners or the readers of this letter must understand that this particular teaching is not his own, but it is from the Lord himself. और पौलुस यहाँ पर इस बात पर जोर देता है कि ये शिक्षा जो वो बता रहा है वो उसकी नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आज्ञा है. And therefore it is a very serious matter that we need to take as it is and obey. और इसलिए ये गंभीर बात है, क्योंकि इसे हमें वैसे ही लेना है और इसके प्रति आज्ञाकारी बने रहना है. We cannot dilute it. हम इसमें कोई मिश्रण नहीं कर सकते. We cannot change it. हम इसको बदल नहीं सकते. We cannot delete or add into हम किसी बात को घटा या बढ़ा नहीं सकते. It is the Lord's command. क्योंकि ये तो परमेश्वर की आज्ञा है. Therefore, there is no question of not obeying. और इसलिए ये सवाल उठता ही नहीं कि आप आज्ञा माने या ना माने. And unfortunately, और दुर्भाग्य तो ये है, Today we are living at an age when there is lot of dilution has been made. हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं कि इस शिक्षा में हर प्रकार का मिलावट कर दिया गया. Today it is seen even among God's own people. और ऐसी बातें परमेश्वर के लोगों के बीच में भी देखी जाती हैं. And pastors. और पासवानों के बीच में. There are separations. और वो तलाक हैं. And there are divorces. और तलाक हैं और पति और पत्नी दूसरे से अलग भी रहते हैं. Not divorced, but they don't live together. और एक जगह पर तलाक भी है, लेकिन दूसरे स्थान पर कोई तलाक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग रहते हैं. And in some cases, it is not a separate house, but the same house, but husband has his own room, department,
and compartment and wife has her own compartment. और कई स्थानों पर तो ऐसा है कि पति और पत्नी एक ही छत के नीचे अलग-अलग कमरों में रह रहे हैं. Communication is done through the children. और जो बातचीत वो करते हैं बच्चों के द्वारा आपस में करते हैं. How sad it is. और कितना दुर्भाग्य और दुखद ये है. How such people give an account of their married life to the Lord when ऐसे, we face the judgment seat of Christ. और ऐसे लोग कैसे परमेश्वर के सम्मुख अपने विवाहित जीवन का लेखा देंगे जब वो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन का सामना करेंगे. Notice here there are three clear commands. और यहाँ पर देखिए आप तीन आज्ञाओं को बड़े स्पष्ट रूप से दिया गया है. Number one, पहली आज्ञा, divorce is forbidden to the wife. कि पत्नी तलाक नहीं ले सकती है. A Christian wife is not to divorce her Christian husband. एक मसीही पत्नी अपने मसीही पति को तलाक देने की अनुमति वचन नहीं देता. Period, and there is no question. और इस पर कोई सवाल नहीं है. They both are saved. वो दोनों बचा लिए गए हैं. How? कैसे? By the grace and power of God. परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ के द्वारा. And the same grace and power are available to them continually. और यही अनुग्रह और सामर्थ्य निरंतर से उनके लिए उपस्थित है. There is a continuous flow of the grace of God to sustain your marriage. और निरंतर रूप से परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपको मुहैया कराता है ताकि आपके विवाह को बचा सके. You know the word of God, Paul's letter, in one letter he says. और पौलुस अपनी एक पत्री में इस प्रकार कहता है. The same grace that appeared for our salvation, वही अनुग्रह जो हमारे उद्धार के लिए प्रकट हुआ, is now also available to enable us to say no to ungodliness. और अब वही अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है ताकि हम ना कर सके हर एक प्रकार की बुराई और आधार्मिकता से को. Now, what is ungodliness? और ऐसी ये क्या बातें हैं जो सही नहीं या बुरी हैं? What is ungodliness? और ये अभक्ति क्या है? Ungodliness is anything you do which is not according to God's wish and God's will. और ये अभक्ति का एक स्वभाव ये स्वभाव है जो बातें आप परमेश्वर के इच्छा और मर्जी के बिना करते हैं. We are saved by grace. हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचा लिए गए. We are also kept by grace. और हम उस अनुग्रह के द्वारा ही बचाए जाते हैं. And if both husband and wife are from such experiences, और अगर दोनों ही पति और पत्नी एक ही ऐसे अनुभव से आए हैं, there is no excuse for you not to love each other dearly and intimately. तब आपके पास ऐसा कोई भी बहाना नहीं है कि आप एक दूसरे से गहरे रूप से प्रेम रखें. It is God's presence that you stood and gave your oath to each other. और ये तो परमेश्वर की उपस्थिति में था जब आपने एक दूसरे उसकी उपस्थिति में खड़े उसकी वेदी के सम्मुख खड़े होकर एक दूसरे के प्रति वाचा बांधी. The same grace that saved you. और वही अनुग्रह जिसने आपको बचाया. And brought you into a relationship with the Lord. और आपको एक परमेश्वर के संग रिश्ते में ले आया. And that same grace is now daily available for victorious living. और यही अनुग्रह अब आपके लिए निरंतर और प्रतिदिन उपलब्ध है ताकि एक आप जयवंत जीवन बिताएं. That's what Apostle Paul says. और इसी बात को पौलुस प्रेरित कहता है. Same grace and power by which you are saved are now continuously available to sustain your salvation. वही अनुग्रह और सामर्थ्य जिसके द्वारा तुम बचाए गए अब तुम्हारे लिए उपलब्ध है ताकि तुम बुराई और आधार्मिकता और अभक्ति के प्रति ना कर सको. So how do you experience it? तो अब कैसे आप इसका अनुभव कर सकते हैं? Husband and wife are to come before God daily in patience. और पति और पत्नी दोनों को प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख धैर्य में आगे आना है. In searching the scriptures to understand. और वचनों को खोजते हुए समझने के लिए. Understand what? क्या समझना? What is a Christian? कि एक मसीही है क्या? And they must come in repentance. और वो मन फिराने के संग उनको आना है. Of any problem that causes friction. और ऐसी कोई भी समस्या जो दूरी को लेकर के आती है.
And they must come to God in trust. और परमेश्वर के प्रति भरोसे में आना है. Trust God. परमेश्वर पर भरोसा रखें. Trust each other. एक दूसरे पर भरोसा रखें. God will give them the power. और परमेश्वर उन्हें वो अनुग्रह देगा. When you come in this way. और जब आप इस तरीके से परमेश्वर के सम्मुख आते हैं. In humility. दीनता के साथ. In repentance. मन फिराने के साथ. And in trust. और भरोसे के साथ. And in respect of God's will. और परमेश्वर की इच्छा का आदर करते हुए. And the commitment you made to each other. और वो वादा या समर्पण जो आप एक दूसरे से करते हैं. The day you stood in the presence of God who instituted marriage. और उस परमेश्वर की उपस्थिति में जिस दिन आप खड़े हुए, जिसने विवाह के अनुष्ठान की शुरुआत करी. And it is to the hearing of God that you promised to each other. और ये तो परमेश्वर की उपस्थिति और सुनने में है जो आप एक दूसरे को वादा करते हैं. Until death separate us. जब तक मृत्यु हमें अलग ना कर दे. So a marriage is not a temporary arrangement. और इसलिए याद रखिए कि शादी कोई अस्थाई अनुष्ठान नहीं है. It is not a temporary convenience sake you make some arrangement. और ये ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं है जो अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने अच्छे लगने के लिए आपने थोड़े दिनों के लिए कर लिया. It is not a contract. या ये कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. It is not a live-in together arrangement. या ये एक संग शादी किए बिना रहने का कोई प्रक्रिया या स्वभाव नहीं है. It is a covenant. लेकिन ये तो एक वाचा है. A covenant for life. और एक ऐसी वाचा जो जीवन भर रहेगी. It is a journey. और ये एक यात्रा है. A journey together as God's people. और एक यात्रा जो परमेश्वर के लोग होते हुए आप दोनों को एक संग करनी है. It is a lifelong journey. और एक जीवन भर की यात्रा है. And so that is the importance of marriage relationship. और इसलिए ये महत्वपूर्ण या ये महत्व बात है एक शादीशुदा विवाहित जीवन की. And again. और फिर से एक बार. Remarriage. दोबारा शादी करना. Is forbidden. For Christian wife, एक मसीही पत्नी के लिए दोबारा शादी करना भी की अनुमति नहीं है. The scripture recognizes that not everyone, including believers, seek the Lord enough to work out their differences. और वचन भी इस बात को पहचानता और जानता है कि लोगों के साथ साथ विश्वासियों तक भी विश्वासी भी ऐसे हो गए हैं कि वो वचन और परमेश्वर पर इस प्रकार निर्भर नहीं होते कि भी अपने बीच के अंतर को दूर कर सके. So in that condition, और ऐसी परिस्थिति में what to do? क्या करें? Jesus said, यीशु कहता है, they are not to they are Yeah, I was saying what to do. Jesus said they are not to marry. और यीशु कहता है कि उन्हें शादी नहीं करनी है. They can be reconciled to their husband. वो फिर से आपस में पत्नी को पति के संग मेल मिलाप कर लेना है. In other words, दूसरे शब्दों में, while they are forbidden to divorce, जबकि तलाक देने की अनुमति नहीं है. Then in that case, you divorce and go on your way, but you are not allowed to marry. और मान लीजिए आप तलाक देते हैं और तलाक करके छोड़ के चले जाते हैं, तो उस परिस्थिति में आपको दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं है. They can be reconciled. और वो मेल मिलाप कर सकते हैं. They can be reconciled to their husband again. और वो फिर से अपने पति से मेल मिलाप कर सकते हैं. But they cannot marry another person. लेकिन वो दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते. And so the third point under this is. और जो तीसरी बात इसी भाग के भीतर है. Divorce is forbidden to the Christian husband. कि तलाक एक मसीही पति के लिए भी उसकी अनुमति नहीं है. It is not spelled out. The wife apply
what is applied to the wife also applied to the husband. और याद रखिए जो बात पत्नी के ऊपर लगती है लागू होती है वही बातें और वही आज्ञाएं पति के लिए भी हैं. So the gospel according to Saint Matthew chapter 10 verses 7 to 9. मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय. Mark. क्षमा करिएगा मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 7 to 9. और सातवें वचन से लेकर नवें वचन तक. इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे. इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं. इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे. Now this is a very clear statement of the Lord Jesus Christ himself. और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया एक बड़ा ही स्पष्ट रीति से वचन है. When a man and a woman are brought together and when they give their promises to each other, thus the man joined to the wife and they become one. और याद रखिए जब एक पुरुष और महिला एक साथ आते हैं शादी में और एक दूसरे के संग वाचा बांधते हैं तब उस वाचा को शादी और विवाह होने के पश्चात उन्हें अलग होने की अनुमति नहीं है. But also in Ephesians chapter 5 verse 25. और इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 25वें वचन में Apostle Paul say, पौलुस प्रेरित कहता है, Husband, you love your wife. कि हे पतियों अपनी 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 पत्नी से प्रेम रखो. As unto the Lord. जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा. My friends, these are very important passages. मेरे मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है. How should you love your wife? कैसे आपको अपनी पत्नी से प्रेम रखना है? The same kind of love Jesus showed and loved his for the church. वही प्रकार का प्रेम जो यीशु ने कलीसिया के लिए दिखाया या रखा. That is the pattern. और ये वो मापदंड है. When the wife submit herself to the husband. और जब पति खुद पत्नी खुद को पति को समर्पित कर देती है. The pattern is the church's submission to the lordship of Jesus. तब कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में समर्पित होना है. And this is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है. But Jesus Christ and his church's relationship should be applied to the relationship of a Christian husband and a Christian wife. और प्रभु यीशु मसीह का जो रिश्ता कलीसिया के साथ है ऐसे ही रिश्ते को हम एक पति और पत्नी के बीच के रिश्ते में भी लागू कर सकते हैं. Jesus Christ is the pattern, he is the example. और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह खुद वो उदाहरण है. The same way the church submit herself to the lordship of Jesus. और इसीलिए कलीसिया को भी खुद को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में समर्पित करना है. It is not slavery. और ये कोई दासवत It is not a fearful, frightening thing. और ये कोई डराने वाली बात नहीं है. It is a willing, respectful, reverential, obedience that is required from a wife. ये तो सहमति के संग, आज्ञाकारिता के साथ और दया, नम्रता और दीनता के साथ किया हुआ समर्पण. And I always say, और मैं हमेशा कहता हूँ, it is to the love of the husband that the wife submit. ये तो पति का प्रेम है जिसके लिए और जिसके कारण पत्नी को समर्पित होना है. Why the church submits herself so willingly, gladly to the Lord? और क्यों कलीसिया बड़े आनंद और उत्साह के संग मर्जी के साथ परमेश्वर को समर्पित करती है? Because of the way Jesus loved the church. क्योंकि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया. By loving the church. और कलीसिया से प्रेम रखने के द्वारा. He gave himself totally and completely to the church. उसने खुद को पूर्ण रीति से कलीसिया के लिए दे दिया. He did not kept even a small 0.1% of himself
away from the church. और उसने कलीसिया से 0% एक भी भाग अपने आप के खुद के लिए नहीं रखा. He's giving himself to the church was so complete and total. और उसका देना अपने आप को कलीसिया के प्रति परिपूर्ण था. And that he went to the cross and died for the church and shed his blood. यहाँ तक कि वो क्रूस पर जाकर उसने अपने लहू को बहाया ताकि वो कलीसिया को बचा ले. Now who will not submit himself or herself to such love? और कौन ऐसा है जो इस प्रकार के प्रेम में खुद को समर्पित ना करे? And so when you have that kind of love, और जब आपके पास इस प्रकार का प्रेम होता है, the question of divorce or separation never even come to your imagination. तब वो तलाक या अलग होने की वो भावना या बात तो आपके सोच और विचार में भी नहीं आती. Jesus said, यीशु ने कहा, and thus a man will leave his husband and his father and mother and cling on to his wife. और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तब वो अपने माता पिता के छोड़ वो पुरुष अपनी महिला के संग एक हो जाएगा. It didn't say about the wife. वो पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहा. The wife is understood. वो पत्नी के लिए भी यही बात लागू है. When she decides to marry a man. जब वो इस बात का निर्णय करती है कि वो एक पुरुष से शादी करेगी. That decision includes the decision to leave her husband, her father and mother. Everything so dear and precious to her. तब उस निर्णय में भी ये शामिल है कि वो अपने माता पिता और हर एक बात जो उसको प्रिय है उसे छोड़कर. All the familiar faces. वो सारे लोग जिनको वो जानती और पहचानती है. Familiar house. और वो जगह और घर जहाँ वो रहती है. Familiar surrounding. और वो वातावरण जिसमें वो बड़ी हुई है. Everything so dear to her. हर एक वो बात जो उसके लिए बहुत प्रिय है. She just say goodbye to all. और उन सारी बातों को छोड़कर. And come all alone. To spend the rest of her life to be with her husband. तब वो अपने पूरे जीवन को इन सारी बातों को छोड़कर अकेले पूरे जीवन को उस अपने पति के संग बिताने के लिए आती है. Unfortunately, दुर्भाग्य तो ये है. The husband and his family accept that sacrifice from the wife or daughter-in-law and keep her there, and then the boy's parents begin to control everything, and see these are the reason why friction happen. और दुर्भाग्य ये है कि पत्नी तो ये बलिदान करती है लेकिन फिर जो पुरुष या पति की जो परिवार है वो हर एक बात पर नियंत्रण करना चाहते हैं और इसलिए तब वो लड़ाई या झगड़े या मन मुटाव वहाँ आता है. But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, in a marriage relationship, कि एक शादीशुदा जीवन में what the wife does, the husband also must do. जो पत्नी करती है वही पति को भी करना है. He leaves the father and mother. उसे भी अपने पिता और माता को छोड़ना है. And then cling on to the wife. और पत्नी के संग एक हो जाना है. There is a separation. वहाँ पर एक अलगाव है. There is a cleaving. और वहाँ पर एक जुड़ना भी है. This is not happening in many cases. और ये बात कई सारे स्थानों पर नहीं होती. That is a cause of friction. और यही बनता है वो मन मिटाओ लड़ाई झगड़े का कारण. So therefore the command is given. और इसलिए ये आज्ञा दी गई है. That a wife is not allowed to divorce. कि एक पत्नी को ये अनुमति नहीं है कि वो तलाक दे. And husband is not allowed to separate himself from the wife. और पति को भी ये अनुमति नहीं है कि वो खुद को पत्नी से अलग कर ले. That cleaving has to continue till their death. वो एक दूसरे से जुड़ा रहना उनकी मृत्यु तक रहना है ऐसे ही. What man tried to separate, he is interfering with the ways of God. और जो पुरुष या मनुष्य अलग करना चाहता है तब तो वो परमेश्वर की योजना के विपरीत जाकर उसके विरुद्ध काम करता है. So Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा, what God has joined together, जो प्रभु परमेश्वर ने एक साथ जोड़ा है, no man put asunder, होने दे उसे कोई भी मनुष्य अलग ना करने पाए.
So if there are Christian husbands and wife who are having frictions and fightings, listening to this. और इसलिए यदि ऐसे मसीही पति या पत्नियां हैं जिनके बीच लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, मनमुटाव हैं. It is time for you to stop fighting and having friction. और ये अब वो समय है आपके लिए कि आप लड़ाई, झगड़े, मनमुटाव सब रोक दे. Come to God. परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं. Come to God in repentance. परमेश्वर के पास मन फिराकर आप आएं. Come to God in humility. परमेश्वर के सम्मुख आप दीनता के साथ आ जाएं. Come to God in the desire to do God's will. और परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं शिक्षा के साथ कि आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे. And reestablish your relationship with the love of God. और अपने रिश्ते को फिर से आप जोड़ दें परमेश्वर के प्रेम को मध्य बनाते हुए. To that kind of love, और इस प्रकार के प्रेम के प्रति wife will submit. पत्नी खुद को समर्पित करेगी. The Bible doesn't say the wife has to submit to the cruelty and unreasonableness of her husband. वचन में ये नहीं लिखा है कि पति की क्रोध, पति की बुरी बातों के प्रति पत्नी को समर्पण करना. It is said, you submit yourself as unto the Lord. और उसमें लिखा है ऐसे समर्पित करो जैसे तुम परमेश्वर में खुद को समर्पित करती हो. Hallelujah. Hallelujah. I hope this thing is very clear. और मेरे आशा है कि ये बात बहुत स्पष्ट है. And now let us get into the next section. और आइए हम अगले भाग की ओर बढ़ेंगे. I will only go through the introduction of it. और सिर्फ हम शीर्षक today, को ही आज करेंगे. And then we will continue. और हम आगे अपने अगले बुधवार को अध्ययन को जारी रखेंगे. Verses 12 to 16. और सातवां अध्याय 12वें वचन से लेकर 16वें वचन तक. दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े. जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती वह पति के कारण पवित्र ठहरती है. नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं. परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो. ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं. परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है. क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तूने अपने पति के का उद्धार कर लेगी? हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार कर लेगा? Amen. Now this section deals with mixed marriages. और ये वचन का ये भाग सातवें अध्याय में जो है मिलीजुली शादियों के विषय में बात करता है. Mixed marriages mean. और मिलीजुली शादियों का मतलब है. A believer is married to an unbeliever. कि एक विश्वासी की शादी एक गैर विश्वासी से हुई है. Can be an unbelieving husband with a believing wife. हो सकता है ये गैर विश्वासी पति हो जो एक विश्वासी पत्नी के साथ है. Or a unbelieving wife and a believing husband. या एक विश्वासी पति और गैर विश्वासी पत्नी. So what to do in this kind of situation? और ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? And Paul expressly dealt with a situation where an unbeliever was willing to live with his believing wife. और पौलुस ने इस परिस्थिति में खास रीति से जिसमें एक विश्वासी पति अपनी अविश्वासी पत्नी के संग रहने के लिए तैयार है. या और अनबिलीविंग वाइफ विद हर बिलीविंग हस्बैंड. या एक गैर विश्वासी पत्नी अपने विश्वासी पति के संग रहने को तैयार है. दिस इज इन अ केस वेयर वन पार्टनर बिकम्स अ क्रिश्चियन आफ्टर मैरिज. ये एक ऐसी परिस्थिति है या इस परिस्थिति के बारे में बात हो रही है जब एक पति या पत्नी शादी के पश्चात मसीह को ग्रहण करता है. अदरवाइज या दूसरे देयर इज नो लेजिटिमेट बेसिस
for a Christian marrying a non-Christian. क्योंकि दूसरे हाथ पर ऐसा कोई अनुमति है ही नहीं कि एक मसीह गैर विश्वासी से शादी करे. So in other words, दूसरे शब्दों में, this is a situation where both were unbelievers when they got married. और परिस्थिति ये है कि ये दोनों पति और पत्नी गैर विश्वासी थे. Then after they started living together, और जब उनकी शादी हो गई वो एक साथ रहने लगे. One of them became a Christian. और उनमें से एक ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और विश्वासी बन गए. So what is the instruction of the word of God? तब इसमें परमेश्वर का क्या निर्देश है? Now, Paul was speaking with Christ's authority. और पौलुस प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को लेते हुए बात कर रहा था. This particular issue was never discussed by the Lord Jesus Christ. और इस समस्या के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कभी बात नहीं किया. Now, there was certain things that it was not openly discussed or dealt with in the Bible. और कई ऐसी बातें हैं जिनके विषय में पवित्र शास्त्र या बाइबल में बड़े स्पष्ट रूप से या खुली रीति से बात नहीं की गई है. Like what happened if there are multiple wives for one husband. कि मान लीजिए एक ही पुरुष के पास कई सारी पत्नियां हैं, उस समय क्या करना है? These things are not discussed in detail or dealt with in the Bible. और ये सारी बातों के विषय में हम पवित्र शास्त्र में नहीं पाते हैं. And so Paul was speaking with the Christ's authority. और इसलिए पॉल उस मसीह के अधिकार को लिए हुए उनसे बात कर रहा था. The Lord himself has not discussed with this. क्योंकि परमेश्वर ने खुद ये सारी बातें के विषय में वचन में नहीं बताया. Therefore, there is no direct commandment. और इसलिए कोई स्पष्ट या डायरेक्ट आज्ञा या अनुमति नहीं है. Paul, in other words, saying, I have no direct commandments of the Lord to share. या दूसरे शब्दों में पौलुस ये कहना चाहता है कि मेरे पास परमेश्वर से कोई डायरेक्ट आज्ञा या अनुमति तुम्हारे लिए नहीं है. Nevertheless, he says, लेकिन फिर भी वो कहता है, he had the guidance of the Holy Spirit to say this. और उसके पास पवित्र आत्मा का ये मार्गदर्शन था कि वो ये कह सके. Apparently, there were many mixed marriages in the Corinthian church. और देखा जाए तो कुरिन्थ की कलीसिया में कई सारे ऐसे मिली जुली शादियां थी. There were not believers marrying unbelievers. और ऐसा नहीं था कि विश्वासी गैर विश्वासियों से शादी कर रहे थे. They were heathen who had become Christians after marriage. लेकिन ये तो गैर विश्वासी जोड़े थे जो शादी के बाद जिनमें से एक ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया. Because scripture never sanctions a true Christian marrying another unbeliever. क्योंकि वचन कभी भी अनुमति नहीं देता है कि एक सच्चा मसीही एक गैर विश्वासी से शादी करे. What is the reason for this? और इसके लिए कारण क्या है? For the simple reason that marriage is sacred to God. और एक ही कारण कि शादी परमेश्वर के लिए पवित्र एक अनुष्ठान है. We must understand that. और इस बात को आपको समझना है. So when a believer is struggling with a love relationship with an unbeliever. और इसलिए जब एक विश्वासी एक गैर विश्वासी के संग प्रेम के चक्कर में है और उसमें प्रयत्न में परेशान है. You are carelessly entering into that relationship, bringing problem for yourself. तब आप बिना किसी सावधानी के उस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं अपने लिए समस्याओं को लाने के लिए. Problem for the church as well. और कलीसिया के लिए भी समस्या आप लाएंगे. You know, many times it happened. और कई बार ऐसा हो चुका है. Some are so high-headed, they don't listen to any counsel. और कुछ इतने ऊंचे सर वाले और ज्ञानी खुद को समझते हैं कि वो पासवानों के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करना चाहते. So always remember, और इसलिए हमेशा याद रखिए, marriage is a sacred thing in the sight of God. कि शादी परमेश्वर की नजरों में एक पवित्र अनुष्ठान है. Therefore, there is no question of a believer knowingly going and getting into a relationship with an unbeliever. और इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता कि एक विश्वासी जानबूझकर एक गैर विश्वासी के संग रिश्ते में आए. And then they create a problem for the pastor and problem for the church. And when the church refuses marriage, then there is a problem. और तब ऐसे जोड़े
कलीसिया के लिए, पाजवान के लिए समस्या का कारण बन जाते हैं, क्योंकि पाजवान ऐसी शादियों को नहीं पढ़ सकते, ना करा सकते, और जब हम मना करते हैं तब वो समस्या को लेकर के आते हैं। But a pastor who is a real man of God, लेकिन एक अगुवा या एक पाजवान जो सच में परमेश्वर का दास है, will stand on the ground. वो अपनी अपनी जगह पर स्थिर रहेगा और उसमें डगमगाएगा नहीं। What is that place? और वो स्थान क्या है? The Bible. और वो वचन है। Bible is very clear. और वचन बड़ा स्पष्ट है। There is no question. और उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। It seems that some in the church were saying that once a person gave his heart to the Lord, he was not to live with an unbeliever. और कुरिन्थ में इस प्रकार से ये प्रचलन था कि एक ने जब अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया है, तब ऐसे व्यक्ति को किसी गैर विश्वासी के संग नहीं रहना है। That is the situation here. और ऐसी परिस्थिति में कलीसिया के लोग हैं। Both were unbeliever. और दोनों अविश्वासी थे। And now one has become. और उनमें से एक ने अब विश्वास कर लिया है। So Corinthian people thought now it is not good for a believer to live with an unbeliever. तब कुरिन्थ के विश्वासियों को ऐसा लगता था कि ये अच्छा नहीं है एक विश्वासी के लिए गैर विश्वासी के संग रहना। And that was the question: what should a Christian who is married to a non-Christian do? कि तब ये सवाल उठता है कि एक मसीही को जो गैर मसीही के संग उसकी शादी हुई है क्या करना चाहिए? And the scripture gives three instructions. और जो वचन है वो तीन निर्देशों को देता है। And we shall look into this in our next study. और इन तीन निर्देशों को हम अपने अगले अध्ययन यानी अगले बुधवार के अध्ययन में जारी रखेंगे। So I hope you remind yourself of what we are studying by reading this chapter again. और मुझसे पूरी आशा है कि आप खुद को तैयारी करके याद दिला करके आएंगे इस अध्याय को फिर से पढ़कर। And the law and Apostle Paul has dealt with this. And let us be willing to abide under the instruction of God's word. और इसलिए होने दे कि हम परमेश्वर के दिशा निर्देश जो वचन में हमें मिला है उसके अधीन रहना सीखें। Don't ask counter questions and all kind of expressing doubts and all. और हर प्रकार के पलट के आप सवाल ना पूछे या संदेह ना करें परमेश्वर के वचन पर। God bless you that you may have a wonderful, better understanding of all these kinds of situations. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि आपके पास एक सही समझ परमेश्वर की आज्ञा के प्रति होने पाए। The Lord is not a God of confusion. और याद रखिए परमेश्वर किसी को परेशान करने वाला परमेश्वर नहीं है। He is a God of order. लेकिन वो तो एक वैसा परमेश्वर है जो हर एक बात को सही रीति से करता है। So may the Lord bless all of us that we may live a beautiful Christian home. और होने दे परमेश्वर हम सबको आशीष दे ताकि हम सब एक अच्छे और सुंदर मसीही जीवन को जीने पाएं। And build up beautiful Christian home. और अच्छे मसीही घरों की स्थापना करने पाएं। Lord, your word is very clear about all the things that we need to know. और परमेश्वर तेरा वचन बड़ा स्पष्ट है हर एक उस बात के लिए जो हमें जानने की आवश्यकता But many times because of the hardness of people's heart and their own desire to do their own will causes confusion and difficulties for the others. लेकिन कई बार खुद परमेश्वर के लोगों के हृदय के कठोर होने के कारण और गलतियों के कारण तेरे लोग भटक जाते हैं। So may we be willing to to humble ourselves and be under the guidance of the Holy Spirit. और होने दे हम तैयार हों कि हम खुद को दीन कर कर तेरे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अधीन रहें। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। May the Holy Spirit Himself will guide us. होने दे तेरा पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen.